हेल्थ, सेहत। एक बहुत ही पुरानी सेइंग है, कहते हैं कि एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत। अगर आप सेहतमंद हैं तो ये हज़ारों ब्लेसिंग्स के बराबर है। और हो भी क्यों ना, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी टाइम हो, कितने भी लोग आपके आसपास हो, आपके जाने पहचाने, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आप इस ज़िंदगी को तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपको तंदुरुस्ती की नियामत नहीं मिली हुई, आपके आपको सेहत की, आपको हेल्थ की ब्लेसिंग नहीं मिली हुई है। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम हेल्दी नहीं हैं। आज के ज़माने में जब सारी चीज़ें पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, खाना, पानी, यहाँ तक कि हवा भी, और हम देख रहे हैं कि डिजीज़ के जो इंसिडेंसेस हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ों से बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहें और इसको दूसरों को भी बताएं, सो दैट कि हमारे आसपास का समाज भी उतना ही हेल्दी रहे। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ मनीष कुमार। मैंने IIT खड़गपुर से बीटेक किया है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा रैंक 1 था। मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिस पे कि व्हाट्सएप भी है, आपके सामने। तो आइए अब हम कुछ डेप्थ में हेल्थ के बारे में बात करते हैं। क्या अच्छा है, गेट इल एंड टेक मेडिसिंस, या बीमार पड़ें, मेडिसिन लें और फिर अच्छे हो जाएं, या आपके पास एक ऐसी नॉलेज आ जाए जिससे कि आप डिजीज्ड ही ना हो, आप क्या चाहेंगे? विच इज़ बेटर, कौन है बेटर? और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि कोई भी कहेगा कि सीरियल नंबर 1 से मैं दूर रहना चाहता हूँ। आपके पास हज़ारों इंश्योरेंस के पॉलिसी हो सकते हैं, आपके आसपास लोग हो सकते हैं, लेकिन आप कतई बीमार पड़ना नहीं चाहेंगे कि आप इल हो जाएं, बीमार हो जाएं और मेडिसिन लेके ठीक हों, कोई नहीं चाहता। और हर एक आदमी चाहेगा कि मैं तो डिजीज्ड ही ना हो, मैं कभी बीमार पड़ूँ ही नहीं। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपने आसपास का डेटा देखते हैं। ये बिल्कुल चौंकाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाले डेटा है। डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसे कि साइलेंट किलर बोलते हैं। 2015 में 6.9 करोड़ पीपल, 6 करोड़ 90 लाख लोग डायबिटीज़ के पेशेंट थे, और 2025 में ये फिगर 8.2 करोड़ हो जाने की उम्मीद है, और 2030 में ये बढ़ के हो जाएगी 9.8 करोड़। मतलब अबाउट 10% हमारा जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक हो जाएगा, और ऑलरेडी प्री डायबिटिक 7.7 करोड़ लोग हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दहलाने वाला डेटा है, और इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल हो जाएगा वर्ल्ड का, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो। आफ्टरऑल ऐसा है क्या जिसकी वजह से हम इतने लोग हमारे डायबिटिक हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं? इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ से आया, और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बात करने की कोशिश करेंगे। हर एक साल डेथ ड्यू टू डायबिटीज़ होती है 10 लाख, 10 लाख लोग केवल डायबिटीज़ की वजह से मर जाते हैं, कैंसर पे आते हैं। नाम सुनते ही आदमी एकदम से शॉक में चला जाए। तो 2018 में 12 लाख लोग थे कैंसर पीड़ित, और डेथ इसकी वजह से 8 लाख लोगों की हुई थी। 1 in 10 इंडियन इज अंडर थ्रेट, उसको कैंसर है नहीं, लेकिन 1 in 10 हो जाता है 10%। 10% लोग कैंसर के थ्रेट में है, मतलब उनको कैंसर हो सकता है। ये जो है ये सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ है आफ्टर हार्ट डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आते हैं जो कि हार्ट डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, जिसका टेक्निकल नेम ये है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये नंबर 1 किलर है इंडिया में और वर्ल्ड में भी। 2015 में इसकी वजह से 21 लाख डेथ्स हुई। 2016 में 28.1% ऑफ ऑल डिजीज डेथ जो हुई इंडिया में वो कार्डियोवैस्कुलर की वजह से हुई, वो हार्ट की वजह से हुई। टोटल 5.46 करोड़ पेशेंट्स हैं इंडिया में। 4 पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक एवरी मिनट इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50। एज ग्रुप देख के आपको लगेगा कि ये लोग ऐसे थे जिनको मरना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हर एक मिनट 4 लोग मर जाते हैं, मतलब हर एक 15 सेकंड में एक आदमी का डेथ हो जाता है केवल हार्ट के डिजीज़ से, हार्ट अटैक से। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमने स्टार्टिंग में सेइंग बोली थी कि एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, भगवान सबको इस बीमारी से कम बचा के रखे, सो दैट कि हम जो भी अपना मिशन लेके आए हैं
वो उसे पूरा कर सकें। अब जब हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो पहले हम समझें कि हेल्थ है क्या। ये एक ब्रॉड टर्म है लेकिन इसके स्पेसिफिक मीनिंग है तो है क्या। जैसे कि घर होता है वो पिलर्स पे खड़ा होता है, वैसे ही हेल्थ भी जो है वो चार पिलर्स पे खड़ा है। आइए देखते हैं कि वो पिलर्स हैं कौन सी। पहला पिलर है रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, हमारी बॉडी जो है वो मसल से बनी हुई है और जॉइंट्स से बनी हुई है, जिसे मूवमेंट चाहिए। और अगर 30-40 मिनट्स का हम पर डे इसको मूवमेंट देते रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे जो मसल्स और जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। जो दूसरी चीज़ है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारा फिजिकली हम कितना भी फिट रहें लेकिन अगर हमारे दिमाग में निराशा है, हताशा है, तो हम थोड़ी दिन के बाद डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हमें गैस्ट्रिक हो जाएगी, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, और कितना भी हम कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद भी हम अनहेल्दी कहलाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम देखेंगे कि लाइफ में जो नेगेटिव है वो किसी भी आदमी के पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप बैठे रहें, खाली बैठे रहें और कुछ सोचते रहें तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगी। पॉजिटिव थॉट लाना है तो आपको एफर्ट करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। कैसे? आप देखिए, अगर आपके पास एक गार्डन है और आप कुछ मत कीजिए, कोई भी एफर्ट मत लीजिए, क्या होगा? उसमें खरपतवार पैदा हो जाएंगी, उसमें वीड्स पैदा हो जाएंगी, अपने आप पैदा होती हैं वो। लेकिन अगर आपको फूल उगाने हैं तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए हमेशा एफर्ट करना पड़ता है। ये नेचर का रूल है, ये नियम है। अब वो एफर्ट क्या हो सकते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाने के लिए? गुड एसोसिएशन, आपकी संगति अच्छी हो, अच्छे लोगों के साथ आप बैठें, हैप्पी लोगों के साथ बैठें, एंथुजियास्टिक लोगों के साथ बैठें, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें। जो थर्ड पिलर है वो है प्रॉपर रेस्ट, आराम। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। 6-8 hours ऑफ साउंड स्लीप रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इस दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करती है और इसी समय मेनी एसेंशियल एंजाइम्स जो हैं वो भी सिक्रीट होते हैं आपके बॉडी में। और फिर आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो रिक्विजिट न्यूट्रिशन है वो बॉडी को दी जानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सारा भी करते रहें, आप रेस्ट लेते रहें और आप एक्सरसाइज करते रहें और आपकी एटीट्यूड भी बहुत अच्छी हो और आप खाना ही नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ेंगे। इन चारों में से जो हम लोगों ने पिलर्स देखे उसमें अगर एक भी वीक हो जाएगा तो हमारा जो हेल्थ है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो ख़राब होने लगेगा। क्यों? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए, एक घर है, ओके, ये आपका हेल्थ है। ये जो हम लोगों ने बात की थी, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन के चार पिलर्स पे खड़ा हुआ है। और इसको आप अच्छे भली भांति आप याद रख पाएँ इसके लिए हमने इसे लिख दिया है, इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको लिख दिया है ई, यहाँ यहाँ ए, यहाँ आर और यहाँ एन, और ये है अर्न। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको हेल्थ को अर्न करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब ये चीज़ें आई। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक भी पिलर अगर थोड़ी कमज़ोर हुई तो ये जो यहाँ बैठा हुआ है हेल्थ, ये कमज़ोर हो जाएगा और इसके चरमराने की ये बहुत ज़्यादा आसार हो जाएगी। अब जो फर्स्ट थ्री पिलर्स हैं वो क्या हैं? एक्सरसाइज, मेंटल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसको हमने एटीट्यूड लिख दिया है, और रेस्ट है। ये कमोबेश आपके कंट्रोल में हैं। आप एक्सरसाइज अपने मर्जी से कर सकते हैं, आप सुबह उठ सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मेंटल एटीट्यूड आपके वश में है, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ रह सकते हैं, रेस्ट आपके वश में है। लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जो फोर्थ पिलर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या बात है कि न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्यों? क्योंकि आप जो खाते हैं उसे आप प्रोड्यूस नहीं करते, उसे आप पैदा नहीं करते, वो आप कहीं और से खरीद के लाते हैं। और जो भी आप खरीद के लाते हैं उसमें आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स हैं। वो केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में हो सकती हैं जो कि रासायनिक खाद हैं, पेस्टिसाइड के रूप में हो सकती हैं जो कि कीटनाशक हैं, वीडिसाइड्स हो सकती हैं जो खरपतवार नाशक हैं, प्रेजर्वेटिव्स हो सकते हैं। आप कुक्ड फूड या ऐसी कोई भी फूड खाते हैं, आप जैम खाते हैं, आप केचप खाते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं और राइपनिंग एजेंट्स होते हैं। आपको आम अब सीजन के थोड़ा पहले चाहिए, राइपनिंग एजेंट के थ्रू पक के आ रहा है और वो एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें लेना भी है, वो एक पिलर है हमारे हेल्थ का, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है।
तो रीजंस हमने देखा क्या हैं, केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, और जो एक और रीज़न है जो कि बहुत बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना है। पहले के लोग आप देखेंगे कि उनका एक सिलसिला था, उसके हिसाब से खाते थे, लेकिन आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेट भरने के लिए खाते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो एक ट्रेंड चल गया है, हम अपनी टंग के लिए खाते हैं, हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं। और जो अवेयर हैं उनको ये बातें पता हैं कि हमें क्या नहीं खाना है, उनको ये नहीं पता है कि हमें क्या खाना है। और ये अगर पता भी है कि हमें क्या खाना है, हमें पता है कि हमें प्रोटीन लेना है, तो हमें ये नहीं पता है कि किस क्वांटिटी में लेना है, उसका क्वांटिटी क्या होगा। तो जो हमें खाना है वो क्वांटिटी हमें नहीं पता है। इसको समझने के लिए हमें और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। इसके पहले कि हम हेल्थ समझें, हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें। ये आपकी बॉडी का कंपोजिशन है, और ये जो बहुत बड़ा, ये इसको पाई चार्ट बोलते हैं, और इसमें जो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, जो आधे से भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ का है, और वो है वाटर। उसमें फिर प्रोटीन है जो तकरीबन 20% है, उसमें फैट्स हैं जो 15% हैं, बाकी कुछ मिनरल्स हैं 5%, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं 2%, कुछ वाइटमिन्स हैं वो हैं 1%, और ये आपकी बॉडी है। इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये जो बॉडी का कंपोजिशन है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और इससे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। वाटर हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 55% है, सारे जो मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो वाटर में होते हैं, चाहे वो पचना हो या बहुत सारे गैसेस का या बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत आपके फूड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारा वाटर के मीडियम की तरफ से हो रहा है। जो सारे टॉक्सिन्स हैं आपके बॉडी में, जो हमने बोला वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो वाटर ही रिमूव करते हैं। इसलिए आपको 12 से 15 ग्लास डेली, मतलब 3 to about 4 liters ऑफ वाटर लेना चाहिए। हमने देखा कि प्रोटीन अबाउट 20% है हमारे टोटल बॉडी का, और ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो सारे सेल्स हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए ये एक तरीके से आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। चाहे वो फेस हो, स्किन हो, नेल्स हो, आपके नाखून हो, हड्डियाँ हो, हार्ट हो, ये जो है इन सब का बिल्डिंग ब्लॉक है। कौन? प्रोटीन। ठीक है, इसलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, जो एक एडल्ट आदमी है उसके सेल्स जो हैं वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। क्यों होते हैं डैमेज? फटीग की वजह से, मतलब अत्यधिक थकान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, चिंता तनाव की वजह से, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, आप चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, उसके जो रेज हैं उससे डैमेज होते हैं। और एक रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए जिससे कि ये जो सेल्स दिन भर के हमारे एक्टिविटीज़ में बर्बाद हुए हैं वो वापस रेस्टोर हो जाए। ग्रोइंग चिल्ड्रन में क्या होता है, नए सेल्स बन रहे होते हैं। प्रेग्नेंट वेमेन में क्या होता है कि उनके पास एक और लाइफ है जो सस्टेनेंस लेता है अपनी मदर के थ्रू ही, जो जिंदा है अपनी मदर पे, और उनके जो सेल्स हैं ये रीजनरेट कर रहे होते हैं बच्चे के, जो पेट में बच्चा है उसका भी, या जो ग्रोइंग बच्चा है उसका, और इसके लिए इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है पर केजी वेट एडल्ट के कंपैरिजन। अब इसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अमाउंट क्या होना चाहिए उसको लेने का, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और यही रीज़न है कि इंडिया जैसी कंट्री में 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अब जब हम पूरा नहीं ले पाते हैं प्रोटीन, तो होता क्या है कि हमारे सेल्स जो टूट गए, जिसके कारण हमने ऊपर बताए हैं, वो वापस रिपेयर नहीं होंगे, और जैसे घुन लग जाता है, जैसे एक जंग लग जाता है, वैसे धीरे धीरे आप डिके करते रहते हैं। थर्ड हमने देखा, थोड़ा ही सही लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपको हर एक एक्टिविटी के लिए चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फास्टिंग में ये जो फैट है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रादर एक्सेस में ही हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फैट को हम कुछ वक्त देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लिए समझनी बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ हमने देखा कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में जाएं तो ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, और 13 वाइटामिन्स हैं और 11 मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं।
कैसे वो इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो डिफरेंट मिनरल्स और वाइटमिन्स हैं उनका अपना अलग अलग काम है, वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम एक मिनरल है और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाएगी। वैसे ही आयरन एक मिनरल है, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो कई बार हीमोग्लोबिन के लेवल को कम करेगी, और हीमोग्लोबिन पे ही ऑक्सीजन चढ़ के राइड करके वो अपने सेल्स में जाता है, इसलिए वो लेस ऑक्सीजन जाएगी हमारे सेल्स में और हम बहुत जल्दी फटीग्ड हो जाएंगे, और इससे हमें और भी कई तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेन में हमारे कम ब्लड जाएगा और उससे हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी देख लिया, उसमें से अब हम देखते हैं कि इनका हम किस तरीके से कंजम्पशन करते हैं, कितना हम लेते हैं। तो पहला वाटर है, वो हम जितनी पानी पी सकते हैं वो पॉसिबल है, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ आप एक क्लीन सोर्स से वाटर ले रहे हैं। सेकंड कार्बोहाइड्रेट है, इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, रादर ये एक्सेस ही है। फैट हम एक्सेस में ही ले रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमने बताया था कि ये दो तरीके के हैं। प्रोटीन हमने देखा है कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं, और मिनरल्स एंड विटामिंस कितना हम ले रहे हैं। ओके, ये जो चीज़ है ये हाउ मच हमें पता तो है कि लेना है, लेकिन हाउ मच कितना लेना है और हम कितना ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ से हम अनभिज्ञ हैं, हम अनअवेयर हैं, और ये अनअवेयरनेस कई बार हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं। हम प्रोटीन्स पे आते हैं, हमने कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो 22 एमिनो एसिड से बनी हुई हैं, जिसमें से 13 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको खुद मैन्युफैक्चर कर लेती है, और 9 जो हैं वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। एसेंशियल इसलिए क्योंकि आपको एसेंशियली उसको बाहर से लेना है। ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं अमीनो एसिड्स के, वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे वो एक पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, वैसे ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो मिलके प्रोटीन्स को क्रिएट करते हैं। 13 विटामिंस और 11 मिनरल्स हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज करते हैं। ये जो 13 और 11 24 हैं उसको मान लेते हैं कि ये 26 हैं, जो कि इक्वल हैं नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश के। अब हम लेट अस से नाम लिख लेते हैं, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ मनीष कुमार, और लेट अस से मान लिया मेरे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ए लेटर है वो हटा देता हूँ। आप देखेंगे हमारा नाम ए हटने के बाद MNISHKUMR आ गया, और ये थोड़ा सा मीनिंगलेस सा होता जा रहा है। जैसे हमारा नाम मीनिंगलेस हो रहा है, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी डिस्टॉर्ट होती है। यहाँ नाम तो हमें दिख गया, लेकिन हमारी बॉडी में जो डिस्टॉर्शन है वो हमें बहुत टाइम के बाद समझ में आता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो सेल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेगा और इससे डिजीज़ होगी। जो डॉक्टर्स हमें रिलीफ देते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, मतलब डिजीज़ की वजह से जो आपको तकलीफ़ हुई है उसमें तो आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन जो इसका रूट कॉज है, जो डेफिशिएंसी है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। और चूंकि उसका इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए हम ऐसी भयंकर बीमारियाँ, एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर और भी कोई क्रोनिक डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, और एक बार ये आ जाती हैं तो फिर ये वापस जाती नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करें और उसका जो रेमेडियल मेजर है, जो उसका करेक्टिव एक्शन है, उसको जो सही करने के तरीके हैं वो लें, और जहाँ तक हो सके नेचुरल सप्लीमेंट्स लें जिससे कि उसमें केमिकल्स ना आ पाएँ। और जो नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हों उसमें किसी भी पॉइंट पे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड के थ्रू केमिकल का इंजेक्शन नहीं हुआ हो। अब हम पहले प्रोटीन पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम कहते आ रहे हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी की। ICMR के हिसाब से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से, हर एक एडल्ट को 1 gram per kg वेट लेना चाहिए। तो किसी का वज़न अगर 70 kg है तो उसको 70 gram प्रोटीन लेना चाहिए, और ये चीज़ बढ़ के चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाती है 1.5 gram per kg। तो अगर 20 किलो का बच्चा है तो वो 30 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए होता है, और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो हेक्टिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है तो उसको 1.75 gram per kg चाहिए। ये अवेयरनेस हमारे में नहीं है, जिसकी वजह से 90% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो जो 70 kg का एडल्ट है उसको 70 ग्राम चाहिए, और नॉर्मल डाइट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 30 से 40 ग्राम तक ही हो पाता है। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे, जैसा मैंने आपको बताया, वो बताता है कि 90% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, और
क्या ये इतना आश्चर्यजनक है कि हम डिजीज्ड हो रहे हैं? ये इतना शॉकिंग अब आपको नहीं लगेगा जब आप जानेंगे कि आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अब कौन सा प्रोटीन हमें लेना है, चूँकि हमारे डाइट से 30 से 40 ग्राम ही आ रहा है, तो हमें और कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए जिससे कि हमारी सेहत पे उल्टा असर ना पड़े। हमने देखा कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने का हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि खाना हम उतना खा ही रहे हैं जितना जितने में हमारा पेट भर जाता है। तो हमें इसके लिए एक जो वे आउट है वो है कि हमें कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और इसमें जो वर्ल्ड की नंबर वन ब्रांड है वो है न्यूट्रीलाइट, और वो इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके, जिसमें थोड़ा सा एक रत्ती भी केमिकल नहीं है, और वो हमारे डाइट में सप्लीमेंट होके हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी या किसी और भी मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकती है। तो हम न्यूट्रीलाइट और एक फेमस ब्रांड है प्रोटीनेक्स, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं। वेट में न्यूट्रीलाइट 200 ग्राम्स का है, प्रोटीन 250 ग्राम्स का है। प्राइस 200 ग्राम्स न्यूट्रीलाइट के प्रोटीन का है ₹1000, और 250 ग्राम प्रोटीनेक्स का है ₹350। देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉस्टली है और ये चीप है। देखते हैं आगे और एनालिसिस करके कि क्या आता है इसमें। जो प्रोटीन का परसेंटेज है न्यूट्रीलाइट में वो है 80%, मतलब 200 ग्राम में आपको 160 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है वो है 32% है, वो 250 का आप 32 ग्राम्स निकालेंगे तो आएगा 80 ग्राम्स, तो 80 ग्राम यहाँ पे प्रोटीन है। अब प्रोटीन कितना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसका आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कितना होता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वो प्रोटीन सीधा बाहर आ जाएगा बॉडी से। तो इसके जो प्रोटीन है उसका एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है 98%, और इसका एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है 35%। 160 का 98% आएगा 156 ग्राम्स, और इसका 80 ग्राम का 35% आएगा 28 ग्राम्स। तो आप जब देखेंगे, जब कॉस्ट वाइज देखेंगे, तो पर ग्राम जब आप डिवाइड करेंगे इसके कॉस्ट को, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1000 by 156 ग्राम, तो जो हमारा कॉस्ट आता है वो ₹6 पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आता है। और यहाँ पे जब आप 350 को 28 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा तकरीबन ₹11 पर ग्राम। तो जो यहाँ पे था जो ये कॉस्टली है कि चीप है, वो यहाँ आते आते उलट जाता है, और जो आपको कॉस्टली दिख रहा है वो चीप है, और जो चीप दिख रहा है वो अचानक कॉस्टली दिखने लगता है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी हम बात करें तो इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई शुगर नहीं है, इसलिए वो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लिए सूटेबल है। यहाँ पे शुगर डला होता है इसलिए डायबिटिक्स के लिए नहीं है और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी नहीं है। इसमें जो सारे 9 हमने देखे थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमें ज़रूरी रूप से ज़रूरी तौर पर बाहर से लेने ही लेने हैं, वो 9 के 9 हैं, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किए गए हैं। अब हम आते हैं विटामिंस एंड मिनरल्स पे। हमने देखा कि 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। अगर हम इसको लेने की कोशिश करें तो हमें एवरी डे 6 to 8 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लेनी पड़ेगी। लेकिन रियलिटी में हम कितना लेते हैं, कोई भी आदमी कितना लेता है, वेजिटेबल 1 से 2 बार हम खा लेते हैं, और एक बार हो सकता है फ्रूट खा लें, और जो फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे हैं वो भी फ्रेश नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन की जो कंटेंट्स हैं वो कम हो गई हैं। इसलिए जो 70 to 80% डेफिशिएंसी इन विटामिंस एंड मिनरल्स है वो सब लोगों में है, और 20% जो हम लेते हैं वो उसमें केमिकल्स हैं। तो अगर फ्रेश केमिकल फ्री फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चूँकि अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन मान लिया कि अवेलेबल हो जाते हैं और आप 6 से 8 बार उसको लेते हैं सो दैट कि सारे मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिल जाएं, तो उसका कॉस्ट क्या आना चाहिए? अगर ₹20 भी एक बार का कॉस्ट आता है, ₹25, तो ये जो कॉस्ट है वो ₹100 से लेके ₹150 तक कहीं भी जाके वेरी करेगा। अब हम आते हैं न्यूट्रीलाइट पे। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स है और ऑर्गेनिकली चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। तो न्यूट्रीलाइट बनाती है एक चीज़ जिसको बोलते हैं न्यूट्रीलाइट डेली, और इस एक टैबलेट में वो सारे 13 विटामिंस और 11 मिनरल्स हैं जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। ये केमिकल फ्री है, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक है, विद इन 24 आवर्स प्रोसेस हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, जिससे कि सारे के सारे
न्यूट्रिएंट्स लॉक रहें और उसमें साथ में फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें डीजनरेशन ना हो। और ये जो सारे का सारा मिनरल और वाइटामिन है, जिसको अदरवाइज लेने में हमें 100 से 150 रुपये लग रहे थे, उसके एक टैबलेट का कॉस्ट है ₹18। तो आप देख सकते हैं कि कौन चीपर है। अब जो नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम है, जो आप सब लोग देख भी रहे हैं, वो हैं केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं? पॉल्यूटेंट्स बेसिकली ऑक्सीडेंट्स हैं। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, वो क्या होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, वो डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन में, और वो दूसरों से एक इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा जब भी वो उसके पास आ जाएगा, और इस प्रोसेस में वो उसको डैमेज कर देगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचर ने जो चीज़ बनाई है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जिसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो इन ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि ये हार्मलेस हो जाते हैं। अब जो गुड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बहुत अच्छा साउंडिंग वर्ड है, बहुत अच्छा लगता है कि एक अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी नेचर ने दिया है। तो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वाइटामिन ए, जो कि गाजर में मिलता है, कैरेट्स में, वाइटामिन सी जो लेमन में मिलता है, नींबू में, आंवला में, ऑरेंज में, वाइटामिन ई जो कि फिशेस में मिलता है, और पहले जो पॉल्यूटेंट लोड था, जो जो पॉल्यूशन था वो कम था, इसलिए ये चीज़ें वर्क कर जाया करती थी, ये काम कर जाती थी। लेकिन अब हाई पॉल्यूशन की वजह से वो काम कर तो पा रही हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये खुद आ रही हैं पॉल्यूटेड, ये खुद केमिकल से लोडेड होके आ रही हैं। और इसके लिए न्यूट्रीलाइट ने एक चीज़ बनाई है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सी। अब हम आते हैं फैट पे। हम लोगों ने कहा कि फैट हमारी डाइट में तो बहुत है, लेकिन मैंने कहा था कि एक ऐसी डिस्टिंक्शन है जिस पे मैं बाद में आऊँगा। तो देखते हैं फैट के बारे में। इंडियन डाइट में क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी तो नहीं, क्वांटिटी वाइज तो हम काफ़ी ले रहे हैं, लेकिन एक क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी है। ये सुन के हर एक आदमी हैरान हो जाता है। फैट एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। एक ओमेगा 6 है, जो कि किसी भी फ्राइड फूड में मिल जाएगा, जंक फूड में तो बहुत होता है, और एक है ओमेगा 3, जो कि वॉलनट मतलब अखरोट में मिलता है, फ्लैक्स सीड जिसको अलसी बोलते हैं या तीसी बोलते हैं उसमें होता है, और सैल्मन फिश, ये एनिमल सोर्स है, सैल्मन नाम की मछली में भी पाया जाता है। रेशियो ऑफ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होना चाहिए? आइडियल बैलेंस अगर बोला जाए तो वो 1:2 होना चाहिए। ओमेगा 3 1 पार्ट है अगर, तो ओमेगा 6 2 पार्ट हो। टॉलरेबल कहाँ तक है? जब तक कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो 1:10 हो। और करेंटली हमारे पास जो रेशियो है वो 1:50 से लेके 1:100 तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फेवर कहाँ पे हो रहा है, जब ओमेगा 3 ओमेगा 6 के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। लेकिन हो क्या रहा है? ओमेगा 3 ओमेगा 6 के कंपैरिजन में कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से होता क्या है? ओमेगा 3 की कमी होने से होता क्या है? तो इसमें जो पहली चीज़ होती है वो है ब्लॉकेज इन हार्ट, जिससे कि हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ये ओल्ड एज में मेमोरी लॉस हो जाता है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन जो है वो ओमेगा 3 से बना हुआ है। जनरल डीजनरेशन हो जाती है, क्योंकि सेल वॉल्स जो हैं, हम लोगों ने पहले देखा है, वो प्रोटीन से बनी होती हैं और एक फैट से भी बनी होती हैं। वो फैट नॉर्मल फैट ओमेगा 6 नहीं है, वो ओमेगा 3 है। तो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी में हम ऑलरेडी हैं, ओमेगा 3 की भी डेफिशिएंसी में हैं, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो वापस बन नहीं पाते और उनका इनएडिक्वेट प्रॉपर रिपेयर नहीं होता, इनएडिक्वेट रिपेयर होता है और हम डिजीज हो जाते हैं। जॉइंट पेन हो सकती है, क्योंकि जो ल्यूब्रिकेशन है मूविंग बोन के बीच में वो ओमेगा 3 से बनी है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेन हो सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है इसकी वजह से। अब अगर हम समराइज़ करें तो एक हेल्दी पर्सन को क्या लेना चाहिए? उसको 10 to 30 grams ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। बेस्ड ऑन उसकी कितनी डेफिशिएंसी है वो उसको पता कर सकता है, एक चार्ट हम एंड में डिस्कस करेंगे उसके थ्रू। न्यूट्रीलाइट डेली उसको एक टैबलेट लेना चाहिए। न्यूट्रीलाइट डेली इसका नाम भी है, इसी वजह से नाम है, जिससे इसको डेली लिया जा सके। नेचुरल सी 1 to 4 टैबलेट्स डेली लेनी चाहिए, और ओमेगा 3 1 to 2 टैबलेट्स अगर लिया जाए तो हमारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमने देखे पहले वो रिवर्स हो जाएंगे। किड्स और चिल्ड्रन को क्या चाहिए? हमने देखा कि इनका तो और भी क्रिटिकल होता है, ये ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, तो न्यूट्रिशन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल ग्रो कर रहे होते हैं वो बॉडी में, और बोन ग्रो कर रही होती है, वैसे ही ब्रेन, सारे ऑर्गन ग्रो कर रहे होते हैं। WHO के हिसाब से 65% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया में
वो मैल नरिश्ड हैं, और इसमें जो 30% है वो सीवियरली मैल नरिश्ड हैं, मतलब उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, वो ओवर फेड हैं, मतलब वो हो सकता है बहुत जंक फूड खा रहे हों लेकिन नरिशमेंट उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि न्यूट्रिशन हमें नहीं पता है कितना देना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इसलिए हर एक बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या आता है, मल्टीविटामिन आता है जो किड्स च्यूएबल के नाम से आता है, न्यूट्रीलाइट में किड्स ड्रिंक आता है जिसमें प्रोटीन और मल्टीविटामिन मिले होते हैं, और एक DHA आता है जो कि ओमेगा 3 फॉर किड्स है, और हमने इन सब की इम्पॉर्टेंस पहले देखी हुई है। बाकी भी जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो बेस्ड ऑन नीड हम दे सकते हैं, बट इतने जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो तो एसेंशियल हैं। प्रोटीन एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं, विटामिन सी दे दें क्योंकि जो पॉल्यूशन से हम एक्सपोज्ड हैं उसी से बच्चे भी एक्सपोज्ड हैं और वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैल्शियम दें बोन्स के लिए जिससे बोन्स स्ट्रांग हो, आयरन दें जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन और उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो। अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और पूछना हो तो ये हमारा नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल है जिस पर व्हाट्सएप भी है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें तो एक बहुत ही हेल्दी इंडिविजुअल के रूप में आ सकते हैं, और एक हेल्दी इंडिविजुअल एक हेल्दी फैमिली बनाता है, और एक हेल्दी फैमिली एक हेल्दी सोसाइटी बनाता है। विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट हेल्थ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।